हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल सीएससी मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में यूनिट टू जो कि है प्रोसेस मैनेजमेंट, इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोसेस शेड्यूलर। ओके, तो प्रोसेस शेड्यूलर में जनरली हम लोग कुछ शेड्यूलर को समझेंगे जो कि एक प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब एक प्रोसेस स्टेट से दूसरे प्रोसेस स्टेट तक ले जाने का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस शेड्यूलर का काम होता है किसी प्रोसेस को किसी एक प्रोसेस स्टेट से दूसरे प्रोसेस स्टेट में ट्रांजिशन प्रोवाइड करना। ठीक, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोसेस को जाना है तो वो शेड्यूलर के हेल्प से हो पाता है। तीन तरह के शेड्यूलर होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दूसरा होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर और तीसरा होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, तो तीनों को हम लोग ब्रीफ में समझेंगे कि क्या होता है। द प्रोसेस शेड्यूलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजर डैट हैंडल द रिमूवल ऑफ रनिंग प्रोसेसेस फ्रॉम द सीपीयू एंड सिलेक्शन ऑफ अनदर प्रोसेसेस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकुलर स्ट्रेटजी। प्रोसेस मैनेजर का एक एक्टिविटी होता है प्रोसेस शेड्यूलर, जो कि सीपीयू में पहले से चल रहे रनिंग प्रोसेसेस को रिमूव करता है और उसके जगह पर किसी पार्टिकुलर प्रोसेस को सीपीयू में डालता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकुलर स्ट्रेटजी। ठीक है, पार्टिकुलर स्ट्रेटजी यहाँ क्या हो सकता है, सपोज कीजिए ये सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू में पहले से एक प्रोसेस P1 रन कर रहा है। ठीक, एक प्रोसेस P2 है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस P1 से और इसको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। तो क्या होगा, प्रोसेस P1 को वेट ब्लॉक में डाल दिया जाएगा, मतलब दूसरे प्रोसेस स्टेट में डाल दिया जाएगा और P2 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन CPU में कराया जाएगा। तो ये जो काम है ये शेड्यूलर के द्वारा किया जाता है और ये जो स्ट्रेटजी है कौन प्रोसेस कितना इम्पॉर्टेंट है कितना ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है ये सारी चीज़ें एक शेड्यूलर ही डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सम स्ट्रेटजी। ओके, तो शेड्यूलर का काम कुछ इस तरह का होता है। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट उसी वक्त आया जब शेड्यूलर आया। शेड्यूलर ही ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोग्रामिंग बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि सीपीयू हमारे पास एक ही है, प्रोसेस बहुत सारे हैं और सभी प्रोसेस को सीपीयू चाहिए। ठीक है, तो सीपीयू में किस तरह से प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो कि सीपीयू का सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इफिशियंसी हम लोग देख पाए। सबसे ज़्यादा सीपीयू इफिशियंट तब होगा जब प्रोसेस का मैनेजमेंट सीपीयू में बेहतर तरीके से होगा और इसको शेड्यूलर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन प्रोसेस टू बी लोडेड इन द एग्जीक्यूटेबल मेमोरी एट द टाइम द लोडेड प्रोसेस शेयर द सीपीयू यूजिंग टाइम मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ देखिए, जो प्रोसेस है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक ही टाइम बहुत सारे प्रोसेस को अलाउ किया जाता है एग्जीक्यूटेबल मेमोरी में स्टोर करने के लिए और इस प्रकार हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाता है। कैसे, सब कुछ कीजिए, कुछ प्रोसेस है P1 P2 P3 P4, ये चार प्रोसेस हैं और एक CPU है हमारे पास। P1 प्रोसेस को CPU अलॉट हो गया, थोड़ी देर P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के पास इसमें कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हैं तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेट ब्लॉक में इसको डाल दिया गया। क्यों सीपीयू बिजी रहेगा, मतलब कि अगर प्रोसेस वन को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये इसको सीपीयू रिसोर्स प्रोवाइड कर देगा इनपुट आउटपुट के लिए, जैसे कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए रिसोर्स अलॉट कर देगा, तब तक सीपीयू खाली रहेगा। तो सीपीयू का वो टाइम यूटिलाइज करने के लिए दूसरे प्रोसेस को सीपीयू में लाया जाता है। जब तक P1 प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है तब तक P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहता है। फिर जब P1 प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है तो फिर से इसको रेडी स्टेट में भेज दिया जाता है और रेडी स्टेट से फिर से इसको प्रोसेसर अलॉट कर दिया जाता है P1 को। ठीक है, तो प्रोसेसर का बेस्ट
तरीके से यूज करने का काम जो है शेड्यूलर के द्वारा किया जाता है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी से मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता भी है। तो हमने बताया तीन तरह का प्रोसेस शेड्यूलर होता है। सबसे पहले हम समझते हैं लॉन्ग टर्म और जॉब शेड्यूलर क्या होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को ही हम लोग जॉब शेड्यूलर कहते हैं। ये करता क्या है, तो ये सिंपली न्यू प्रोसेस को रेडी स्टेट में लाता है, मतलब जो सेकेंडरी स्टोरेज में, सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में ये लाता है। ठीक है, रेडी स्टेट मेन मेमोरी में होता है और न्यू प्रोसेस जो है, मतलब हमारा प्रोग्राम, वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जो शेड्यूलर प्रोग्राम को, प्रोसेस को लाता है, उसको हम लॉन्ग टर्म या जॉब शेड्यूलर कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये जॉब को शेड्यूल कर रहा है। कोई प्रोसेस प्रोग्राम जो है वो एक जॉब है, एक किसी पार्टिकुलर काम को, पर्पस को करने के लिए बनाया गया होगा, तो उस जॉब को शेड्यूल करता है, रेडी स्टेट में डालता है, जॉब शेड्यूलर या लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इट कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक रेडी स्टेट में अवेलेबल हैं, तो उन सब को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कैसे मैनेज किया जाए, उसको ये कंट्रोल करता है। नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट इन रेडी स्टेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि रेडी स्टेट में बहुत सारे प्रोसेसेस एक ही टाइम में अवेलेबल हो सकते हैं, इसी को कहा जाता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जितना ज़्यादा प्रोसेसेस रेडी स्टेट में स्टोर किया जाएगा, उतना ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग का डिग्री होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मेक अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ बोथ इनपुट आउटपुट एंड CPU बाउंड प्रोसेसेस। जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं, CPU बाउंड प्रोसेसेस होते हैं, इसका केयरफुली सिलेक्शन जो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा किया जाता है। जैसे कौन सा प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो प्रोसेस है P1 P2, P1 को करना ज़्यादा अर्जेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उसको सिलेक्ट करेगा और उसको पहले इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म, मतलब उसको पहले प्रिंटर या कीबोर्ड अलॉट करेगा, उसके बाद ही लो प्रायोरिटी ऑर्डर वाले प्रोसेस को ये अलॉट करेगा। इनपुट आउटपुट बॉन्ड टेक टास्क आर विच यूज मच ऑफ देयर टाइम इन इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, वाइल CPU बाउंड प्रोसेसेस आर विच स्पेंड देयर टाइम ऑन CPU। इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क का मतलब होता है कि वैसे टास्क जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम ले, और CPU बाउंड का मतलब होता है कि वैसे टास्क जो कि CPU में ज़्यादा टाइम लेते हों। ठीक है, जॉब शेड्यूलर इनक्रीजेज इफिशियंसी बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द टू टास्क। तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है या जॉब शेड्यूलर है, ये CPU के इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है, दोनों जो इनपुट आउटपुट बाउंड है और CPU बाउंड है, उन दोनों में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करता है, और इस प्रकार जो है जॉब शेड्यूलर CPU के इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है। अब हम लोग समझते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, या इसी को हम लोग CPU शेड्यूलर भी कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग वन प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट फॉर शेड्यूलिंग इट ऑन द रनिंग स्टेट। रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जो शेड्यूलर प्रोसेस को उठा करके डालता है, उस प्रोसेस को हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या फिर CPU शेड्यूलर कहते हैं। CPU शेड्यूलर जनरली रेडी स्टेट में वैसे प्रोसेस को सिलेक्ट करता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर रखते हैं, और उनको कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बेसिस पे CPU अलॉट करता है और CPU में प्रोसेस रनिंग स्टेट में चले जाते हैं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ओनली सेलेक्ट द प्रोसेस टू शेड्यूल इट एंड डज नॉट लोड द प्रोसेस ऑन रनिंग। ये एक नोट है जो कि आपको याद रखना है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है केवल प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और उसको शेड्यूल करता है CPU में रन करने के लिए। ठीक, ये जो है CPU में प्रोसेस को लोड नहीं करता है, हमें याद रखना है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस एंड शेड्यूल इट, क्योंकि CPU शेड्यूलर के पास बहुत सारे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं, उस एल्गोरिदम के बेसिस पे सबसे बेस्ट प्रोसेस को वो सिलेक्ट करता है और उसको शेड्यूल कर देता है CPU के लिए। ठीक है, लेकिन वो CPU में उसको लोड नहीं करता है। यहाँ पर एक डिस्पैचर का कॉन्सेप्ट आता है। वो डिस्पैचर का काम होता है कि जो भी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा प्रोसेस को शेड्यूल किया गया है CPU के लिए, उसको उस प्रोसेस को
सेलेक्ट करना और सीपीयू में लोड करना, ठीक है, ये डिस्पैचर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज डन बाय डिस्पैचर ओनली। जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, जो कि हमारे इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है, उसको भी हम समझेंगे। एक प्रोसेस को दूसरे स्टेट में डाल देना, दूसरे स्टेट से किसी थर्ड स्टेट में डाल देना, थर्ड स्टेट से फर्स्ट स्टेट, मतलब उसका ट्रांजिशन कराना है, स्टेट का स्विचिंग करना, वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। पीसीबी में एट्रीब्यूट को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो ये भी डिस्पैचर के द्वारा किया जाता है। जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पर फिर से डिस्पैचर का कॉन्सेप्ट आएगा। अब हम लोग समझते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम होता है प्रोसेस को सस्पेंड करने के लिए और रिज्यूम करने के लिए। मतलब अगर प्रोसेस को सस्पेंड करना हो, सीपीयू कुछ प्रोसेस को सस्पेंड कर रहा है, तो कौन सा शेड्यूलर उसको सस्पेंड स्टेट में डालेगा? मिड टर्म शेड्यूलर डालेगा। ओके, और उस प्रोसेस को फिर से रिज्यूम करना है सस्पेंड मोड से, सस्पेंड स्टेट, तो उसका काम भी मिड टर्म शेड्यूलर के द्वारा किया जाता है। इट मेनली डज स्वैपिंग, ये जो है मेनली स्वैपिंग करता है। मतलब एक प्रोसेस को मेन मेमोरी से डिस्क में स्वैप करता है, फिर डिस्क से मेन मेमोरी में स्वैप करता है। ठीक है, मिड टर्म शेड्यूलर। स्वैपिंग मे बी नेसेसरी टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ चेंज इन मेमोरी। मेमोरी का जो चेंज होता है, यहाँ प्राइमरी मेमोरी से, मतलब मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस को डाला जाता है ताकि वो सस्पेंड स्टेट में रहे। फिर मेन मेमोरी में जैसे स्पेस खाली होता है, प्राइमरी मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को डाल दिया जाता है। तो ये स्वैपिंग होता है, ठीक है ना। ये है प्राइमरी मेमोरी, या फिर इसी को मेन मेमोरी कहते हैं हम लोग, और ये है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या है, तो रेडी मोड में, रेडी स्टेट में जो प्रोसेसेस हैं वो हैं, ठीक। और सेकेंडरी मेमोरी में जो सस्पेंडेड प्रोसेस होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो रेडी स्टेट में अगर प्राइमरी मेमोरी पूरी तरह से भर गया, स्पेस नहीं है, तो उस केस में रेडी स्टेट से सस्पेंडेड स्टेट में भेज दिया जाता है प्रोसेस को, और ये मिड टर्म शेड्यूलर करता है। यहाँ देखो, प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस भेजा गया, फिर सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में प्रोसेस को भेजा गया, फिर प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, एंड सो ऑन। तो ये स्वैपिंग होते रहता है ये, ठीक है। तो स्वैपिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है मिड टर्म शेड्यूलर। अब देखो जो थर्ड पॉइंट है, इट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन आईओ बॉन्ड एंड सीपीयू बॉन्ड। मिड टर्म शेड्यूलर भी आईओ बॉन्ड और सीपीयू बॉन्ड के बैलेंस को परफेक्टली मेंटेन करता है, और ये जो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करने का काम भी करता है। तो ये था मिड टर्म शेड्यूलर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।